हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ओके, तो आज हम लोग एक नई चीज सीखेंगे बच्चों। हम लोग सीखेंगे पक्षियों का जीवन चक्र। आपने बहुत सारे पक्षी देखे होंगे। पक्षी कौन होता है? जो उड़ता है, जिसके पास पंख होते हैं, जैसे कौवा। जैसे कौवा, कौवा कैसे बोलता है? हाँ, चिड़िया, चिड़िया कैसे बोलती है? हाँ, और मुर्गा, मुर्गी कैसे बोलते हैं? कुकड़ो कु, कोयल, हाँ, और कबूतर गुटरगू 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 बोलते हैं ना। तो बच्चों, आज हम उनके जीवन चक्र के बारे में पढ़ेंगे। जीवन चक्र क्या होता है, चलिए देखते हैं, जानते हैं, सीखते हैं, ठीक है? अभी आपने और हमने मिलके इस चार्ट को बनाया है ना, तो इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले ऊपर एक मुर्गी बनी हुई है। क्या आप मुर्गी को देख पा रहे हैं? हाँ, मुर्गी अपने बच्चे कैसे पैदा करती है? अंडा दे करके। हाँ, अंडा दे करके। इस मुर्गी ने क्या दिया? अंडा। और अंडे से, अंडे में क्या बन गया फिर? बच्चा। उस बच्चे को हम कहते हैं चूजा। क्या कहते हैं? चूजा। अब जब अंडे के अंदर चूजा या वो बच्चा बन गया, तो अंडा क्या हो गया? फूट गया। क्या हो गया? अंडा क्या हो गया आकृति? हाँ, अंडा फूटा और उसके अंदर से क्या निकला? बच्चा या चूजा। तो देखिए, यहाँ से क्या निकल आया? अंडे के अंदर से चूजा निकल आया। अब वो चूजा क्या है? नन्हा सा है। वो दाना खाकर, पानी पीकर धीरे धीरे बड़ा होगा। उसकी माँ उसको दाना खिलाएगी, उसके मुंह में चोंच खोलेगा तो उसके मुंह में दाना डाल देगी, पानी पिलाएगी, तो फिर क्या होगा? धीरे 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 वो चूजा बड़ा होकर फिर मुर्गा या मुर्गी बन जाएगी। फिर मुर्गी अंडा देगी, अंडे में चूजा बनेगा, चूजा अंडे के टूटने से बाहर निकलेगा, फिर वो चूजा बड़ा होगा और क्या बनेगा? मुर्गी या मुर्गा। तो इस तरीके से चूजे का जीवन, मुर्गी का जीवन चलता रहेगा। कैसा लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा।